So now I would like to request Professor Sudarshan Iyengar, who is the Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth. He will definitely share some of the views about this prospect. Professor Iyengar. Sabhi ko namaskar. Professor Mashelkar ji, mere mitra Anil bhai, alag-alag universityon se aaye huye shikshak, mere mitra Dinesh bhai, aur aap sab yuva, Gandhi ki sabha mein kaale baal dekhkar bahut acha lag raha hai. वरना आजकल तो ऐसी हालत हो गई है कि गांधी की सभा में सिर्फ सफ़ेद बालों वाले ही दिखाई देते हैं. तो भाई अनिल को सबसे पहले इस बात की बधाइयाँ, हिरणमय को बधाइयाँ, लगा हुआ है बहुत अरसे से. बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहनी हैं. आज हम इसको, मैं समझता हूँ कि हिंदी सब समझ लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ऐसे ही सहज बात कर रहा हूँ. कोई बहुत इसको कोई प्रोफेसोरियल डिस्कोर्स नहीं बनाना है, इसीलिए साधारण बात है. आज जो कुछ देखा बहुत मन प्रसन्न हो गया है. इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है. युवा पीढ़ी ही, युवा धन ही इस देश की असली संपत्ति है. और आप सब अपना दिल दिमाग लगा करके काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बधाइयाँ. जिन लोगों को आज यहाँ पहचान मिल रही है, इनाम की बात अलग है, पहचान बहुत मुख्य चीज़ है. मुझे लगता है कि अनिल भाई ने बहुत बड़ा काम इस देश के अंदर किया है. तो हर जगह से जहाँ पहचान नहीं बन रही थी, उस जगह को पहचान करके, उन लोगों को पहचान करके, उनके काम को पहचान के, उनको एक राष्ट्रीय पहचान देना, उनको एक सामाजिक पहचान देने का सुंदर काम अनिल भाई कर रहे हैं कब से. जहाँ तक इनोवेशन की बात है, गांधी खुद अपने ज़माने में चाहते थे कि उन्होंने जिस चरखे पर काम किया था, आप लोगों को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप उनकी आत्मकथा एक बार पढ़ लें, बहुत ही रसप्रद है. क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूँ कि आप सब में भी एक मोहन बैठा हुआ है. हम गांधी का नाम भूल जाते हैं, उसका नाम मोहन था, और मोहन हम सब में है. क्योंकि इसी मोहन में से वो महात्मा तक गए हैं. हम सबको महात्मा तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, पर हम में जो मोहन है उसको थोड़ा और मुखरित करना है, उसको थोड़ा खिलाने की बात है. और मैं समझता हूँ ये होगा. गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अंत में वो एक ऐसी चीज़ खोज रहे थे जिससे इस देश के लोग अपने हाथों से काम कर सकें और अपने शरीर को ढक सकें. ये उस समय की ज़रूरत थी. समस्या थी कि लोग कपड़े पूरे नहीं पहन सकते थे, इसीलिए गांधी कुछ ऐसी चीज की कोशिश में थे कि यह कपड़ा बहुत दूर से आ रहा था, इंग्लैंड से आ रहा था, क्या हम अपना कपड़ा खुद बना सकते हैं? इस देश के पास इतनी शक्ति तो थी, तो ऐसे कैसे बनाया जाएगा? तो उनको गुजरात में मेहसाणा से एक जगह से चरखा मिला और गुजराती में उन्होंने उस अध्याय का नाम लिखा मळ्यो. कितना आनंद होगा उस आदमी को कि या कितनी उसकी तीव्रता होगी. What should have been the intensity of Mohandas Gandhi to title a chapter as said found? This is the intensity which with Gandhi काम कर रहे थे. और उन्होंने बाद में कहा कि तब के जमाने में उन्होंने कहा कि मैं 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा जो इस चरखे को ज्यादा उत्पादक बनाएगा. तो ये बात अगर हम समझ रहे हैं, तारीख वहाँ से इतिहास किया गई 1929, मतलब गांधी ने कहा कि मैं तब 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ. मुझे लगता है कि आज फिर से एक बार अगर मुझे आप पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज की जो ऊर्जा संकट आज जो खड़ा हुआ है, द एनर्जी क्राइसिस हैज ए पार्ट सोल्यूशन इन डूइंग ह्यूमन रिन्यूएबल एनर्जी इन योर सम प्रोडक्शन सिस्टम इंक्लूडिंग क्लॉथ. और मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि खादी जो है वो सबसे अच्छा इको फैब्रिक है. आप सब रिन्यूएबल ह्यूमन एनर्जी से उसको कर सकते हैं. लगाइए दिमाग कि किस तरह से जो है ये ह्यूमन एनर्जी जो है उसको आप कन्वर्ट करके क्लॉथ में
अच्छे से एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं. ये काम मेरे लिए एक है जो गांधी का अभी भी अधूरा सपना है, मुझे देखना है. जब इन इनामों को हम गांधियन अवार्ड कहेंगे तो हमें ये देखना है कि क्या मानक हैं जो हम इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो ये अपने आप में इनोवेशंस हैं और ये इनोवेशन समाज में निरंतर होते रहते हैं. और इनोवेशंस को पहचान देना, इनोवेशंस जब खास करके युवा लोग कर रहे हैं उसको पहचान देना जरूरी है. पर इसको हम गांधियन क्यों कहेंगे? तो उसके जरूर देर हैव टू बी सर्टन यार्डस्टिक्स, इंडिकेटर्स, उसके कुछ मानक होने चाहिए कि हम इनको हम क्यों गांधियन कहेंगे. तो पहला मानक तो बहुत ही स्पष्ट अनिल भाई ने हम लोगों के सामने रखा है कि संवेदनशीलता से सर्जन हुआ हो तो वो पहला मानक है. संवेदनशील, और हमने देखा एक बच्ची हमारे युवा बिटिया है जिसने जो है कहा कि हम व्हीलचेयर वाले सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, आप लोग सब देख आए हैं. क्या सुंदर संवेदनशीलता से सर्जन हुआ है. ऐसे कई हैं. तो ये जब दिल को कोई बात छू रही है तो ऐसे सारे संवेदना आधारित सर्जन जो गांधी के मूल्य, मूल मूल्य सेवा की ओर जा रहे हैं, मानवता की सेवा की ओर जा रहे हैं, वे सही मायनों में गांधियन इनोवेशन हैं. क्योंकि समाज में मनुष्य का एक बहुत बड़ा काम, उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य जो है मुश्किल में पड़े आदमियों की समस्या को हल करना है. तो वो अगर संवेदनशीलता है और उस तरह से सेवा के जितने काम हैं, कुछ लोगों ने पता लगाया है कि जो लोग बोल सुन नहीं सकते हैं उनके साथ कैसे काम करेंगे, कुर्सी कुछ लोगों ने बनाई है कि किस तरह से जो है वो जो शरीर से ज़्यादा सबल नहीं है वो किस तरह से जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ये सारी सेवा के क्षेत्र में, मानवीय सेवा के क्षेत्र में आने वाले सब काम आसानी से जो है वो गांधियन इनोवेशन है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है और यह पहचान ठीक है. दूसरा मतलब उसके लिए हमको इन लोगों को जरूर धन्यवाद देना चाहिए और बधाई देनी चाहिए. दूसरी बात जो है वो जो इनोवेशन लोगों के लिए है और उस लोगों का क्या मानक हो, तो कोई भी ऐसा नया प्रयोग उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ या सेवा के साथ जुड़ा हुआ प्रयोग जो विकेंद्रीकरण की ओर ले जा रहा हो वो गांधियन है. अगर वो किसी केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाने वाला होगा तो वो गांधियन नहीं होगा. ये हम अपने आप में स्पष्ट समझ लें. आप चाहे जिस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो, जितने इनोवेशन डिसेंट्रलाइज्ड लास्ट पीपल एम्पावरिंग होंगे वो गांधियन इनोवेशन के दूसरे मानक में आएंगे. तीसरा जो है वो महत्वपूर्ण है और उसको मैं थोड़ा सा संभाल करके लाना चाहता हूं. उसके पहले मैं आपको छोटी सी ये बात कर दूं, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, हमको सुनना तो मशेलकर जी को भी है और आप लोगों को बधाइयां भी देनी है, ये भी हमें करना है. हम लोग आज जहां पढ़ रहे हैं, जहां हमारी पढ़ाई हो रही है, वहां हम देख रहे हैं कि ये युवा पीढ़ी ज्ञान धारा की नई अंतरिक्षों को छूने की कोशिश कर रहा है और ये जरूरी है. पर जब हम ज्ञानधारा की ऊंचाइयों की ओर कोशिश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी कुछ संस्कृति धारा भी रही है और उस संस्कृति धारा से सीखे बिना सिर्फ ज्ञान धारा के नए अंतरिक्षों को की ओर जाने में हम कहीं गड़बड़ कर सकते हैं और उससे संबंधित जो इनोवेशन होंगे वो जरूरी गांधियन होंगे ऐसा मानने की जरूरत नहीं है. लोकधारा की बात सृष्टि के जरिए अनिल भाई बहुत सुंदर तौर पर आप लोगों को उन्हें समझाया है कि किस तरह से लोगों के पास जो ज्ञान है, शक्ति है, उस धारा से हम सीख करके उसको किस तरह हम ज्ञान धारा में ला सकते हैं, उसका एक अच्छा प्रयोग हो रहा है. इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा आपको नहीं कहना चाहता हूं. पर संस्कृति धारा के बारे में मैं इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे जो, अब मैं महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूं जो मैंने आपको कहा कि मेरे जो इनोवेटर हैं वो एक दर्जे तक संवेदनशील जरूर हैं, पर गांधियन इनोवेशन में पास होने के लिए उनके अपने जीवन के व्यवहार के क्या मूल्य हैं, इन मूल्यों को समझना, स्थापित करना बहुत जरूरी है. ये बात आप ध्यान से रखिए. और ये
मेरे लिए आज तक भी एक मिसिंग लिंक है जिसके लिए हमने बहुत कम प्रयास किए हैं, क्योंकि ये सारा इनोवेशन किस प्रकार के समाज के लिए किया जाना है। एक आईआईटी की बिटिया ने 1 मीटर से दूर सेंसर डिटेक्ट किया है जिसमें आरडीएक्स का पता लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा है अपने आप में। देखिए कितनी सारी तालियां बज गई। क्यों तालियां बज गई? क्योंकि हम सब आरडीएक्स से घबराए हुए हैं, पर समाज को आरडीएक्स की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि भाई अब हमारे पास सेंसर आ गया है 1 मीटर वाला, तुम चाहे जितना आरडीएक्स बना लो देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मूल जो है, और मैं इस इनोवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात यह कर रहा हूं कि समाज में ऐसी जरूरत नहीं खड़ी होनी चाहिए कि मुझे जो है वो आरडीएक्स या किसी प्रकार के विस्फोटकों को देखने के लिए मुझे ऐसे सेंसर बनाने पड़ जाएं, तो वो समाज कमजोर हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी संस्कृति धारा में स्वस्थ समाज की निर्माण की प्रक्रिया में मुझे अपनी जरूरतों पर संयम रखना है। ये बात ठीक है, और ये बात जब तक हमारी समझ में आएगी तब तक हम गांधीयन इनोवेशन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि ये गांधीयन इनोवेशन इस दिशा के अंदर पूरी खोज को प्रेरित करे, और ऐसे प्रकार को लेकर के जब युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, और अगर हम विकेंद्रित इनोवेशंस करेंगे, लोगों का सशक्तिकरण करेंगे, और उन लोगों के मूल्य ऐसे बनाएंगे जिससे हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना करें, तो हम सही दिशा में होंगे। और आप सबको फिर एक बार, जो कुछ आपकी सृजनात्मकता है, सृजनशीलता है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और राज्य, देश, समाज इसका खूब समर्थन करें, और आप लोग खूब फूलें फलें। इन आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। Thank you, Professor Iyengar. That's why maybe Dr. Masilkar has told that Gandhi was a real gift in 20th century. So before we listening to the gift for 21st century, we'll definitely come to the occasion now for who is this award was declared. Dr. Masilkar will give away awards in 3 categories. One is for the innovations which are have social implications, direct social implications, Social Innovations Award by SISTRI. Second category will be Gandhi Engineering or Gandhi Innovations Award. He explained the criteria very, very, very precisely, and he mentioned few also. They are, of course, in the list. And third will be Technological Age Award. Of course, we'll create more from less for many. But even if there is a need, like few people have designed drugs for the necessity and other areas, which is a very, very essential things for the community, for the large sections, what he mentioned is the bottommost people who can afford it, or ultra affordability. So now I will request Dr. Masilkar to give out these awards. I will declare the names and the teams to come to the dais, take the award, go there, and take. And the end of this, each group will take a photograph. So the first category we'll start with is Social Innovation Award. The one award that has been quite been impacting is a multi-desire wheelchair, which has been designed by a team of students from Ahmedabad. Chintak Dholakia, Sumit Batwa, Bhargav Desai, Priyas Rajnikant, and that's Melody College of Engineering. They have been doing this project since years. We should applaud them. We should. Second team is Project Jeevan Dhara, a hand pump integrated with a filter system from IIT Kharagpur. Kirti Ranjan, Sankhya Mohanty and his team. They have done a very innovative approach for the people. Team Jeevan Dhara, you're redefining life in a different innovations with compassion.
team Bardhan. It's by Shanu Sharma from IIT Kanpur. She has designed a brilliant innovation, really compassion to passion and passion to products. A wheelchair which can really be very useful. So he is representing his team from IIT Kanpur. The next award for the social innovation category was from Punjab Technological University, BSET College. The team is Image and Speech Recognition and Synthesis. They name it as Project Hope. Saurabh Saket and Rahul Ranjan. They have designed for dumb people. So again, this is a very good application that they have developed, and now they are trying to take it to the users also. It's a very brilliant innovation that they have done. From Punjab Technological University. So this was for the social innovation sector. The next category is the Gandhian Innovation Award. I would like to request the team LPG refrigerator from LDIP College. This is Janil Bhatt and team, Dhruveen Kadgi, Keith Jani, Manoj Yadav, for designing a cooling system for LPG refrigerator where there is no electricity available. They are from Gujarat Technological University. The same innovation has been done brilliantly in a different way, what Professor Gupta told, multiple heuristics for developing innovation with a better cooling system. Again, a team for LPG refrigerator for Biren Patil, Mayank Patil from LCIT Vandu. They have used it. They have used it in their own premises in the college. No electricity, but still the process works. They have done brilliant work. And they have done jointly with the diploma students also. So it's a great achievement for them. From LCIT Vandu, from Gujarat Technological University. Now, there are some significant innovations which has been done in this category, which we consider in the appreciation section. One is a low-cost incense stick maker by IIT Gandhinagar. He has designed, Keshav has done brilliant work for Agarbati making machine, so that it can create jobs for the people, it can create productivity, and he has really internalized the paint products by making this device. It's outside, you can see it, a process. From IIT Gandhinagar. Again, a team from Mr. Harish Umashankar Tiwari and his guide, they have designed this automobile air conditioning using engine exhaust. Really, they have made a team to design this so that the truck drivers cannot have to face the real heat by their engines. They have designed it, and this is really designed.